फर्स्ट आप देख सकते हो कि जिस तरीके से जो इंटरवल ब्लॉक था जिस पॉइंट पे वो एंड हुआ है, एक्साइटमेंट सेकंड लेवल के लिए अभी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट जो आने वाला है अभी, वो सेकंड पार्ट की एक्साइटमेंट नहीं है, इंटरवल के बाद वाले सीन्स की एक्साइटमेंट है। और जिस तरीके से प्रशांत नील ने जो स्टोरी टेलिंग की है, जो कैरेक्टर को बिल्डअप किया है, जो कैरेक्टर का जो उन्होंने पास सीक्वेंस जो दिखाते हैं, मास, टोटल मास। बहुत अच्छी से स्टार्ट ही वो फ्रेंडशिप सीक्वेंस ही किया था इन्होंने, तो बहुत अच्छी जी जी जी। और फ्रेंडशिप का भी एक कनेक्शन दिखाया गया है और एक माँ और बेटे का भी कनेक्शन दिखाया गया है, तो दोनों तरीके से दोनों रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। और अभी तो फ्रेंडशिप का तो और इंटरवल के बाद होने वाला है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है अभी तो सेकंड हाफ के लिए, और अभी तो मतलब खाली बस देखना है कि अभी क्या होने वाला है। ब्रदर, आपने फर्स्ट हाफ देखा सलार का, फर्स्ट क्या कुछ बोलेंगे इसके बारे में? इवेंचुअली बहुत सालों के बाद प्रभास जी इतने बड़े कमबैक कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ वॉज गुड, अभी तक स्टोरी KGF के रिलेटेड ही है। अभी जब फिल्म की कंक्लूजन पे आएगी तो पार्ट वन है, पार्ट वन प्लस पार्ट टू आने वाली है। इट्स सेम लाइक वॉचिंग एन एनिमल बट इन अ डिफरेंट फेज। ही वॉज एवरी वन वॉज टेलिंग इज अ डायनासोर, लेट्स सी कि अब ये फेज वन उनका डायनासोर जैसा दिख तो रहा है, अब फेज टू में वो एक्चुअली डायनासोर बन जाएगी, वो भी कौन सा वाला डायनासोर, क्या एनिमल पार्क को भी वो ओवरटेक कर लेंगे कि नहीं। सो लेट्स वेट फॉर हिम, बट या ही इज कमिंग अ बिग कमबैक। इट्स अ साउथ इंडियन टच फिल्म एग्जैक्टली। इफ यू सी कि आपने एनिमल में देखा वो बाप और बेटे का प्यार है, और ये माँ और बेटे का प्यार है, ये कहाँ तक पर सत्य सो कहाँ पे ये फिल्म कनेक्ट करेगी एंड में पता चलेगा। अभी तक आपको फर्स्ट हाफ पे ही कंक्लूड नहीं कर सकते फिल्म, बिकॉज प्रभास इज अ बिग स्टार, वी हैव सीन हिम इन लाइक बाहुबली वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म अब तक की रही है। और आई होप बाहुबली नॉट बाहुबली कंक्लूजन इज द सेकेंड हाइस्ट ग्रोसर फिल्म। तो लेट्स सी ये सलार कितनी इनको स्केल अप करेगी इनके बिजनेस को और इनके करियर को। वन वर्ड आई विल टेल, मास, रिवल स्टार का कमबैक हो गया है भाई। एक एक सीन जो इंटरवल हुआ है ना, ऐसा लगा कि क्यों हुआ इंटरवल, लेजिटली स्पीकिंग। लाइक वो जो हम फैंस लोग डिसअपॉइंटमेंट थे, साहू, राधे श्याम, आदि पुरुष बोले गए, वो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभास अगर दो तीन साल मूवी नहीं करता और सीधा प्रशांत नील के साथ मूवी करता ना भाई, मज़ा आ गई यार ये मूवी देख के, लेजिटली मज़ा आ गई। जो सीन्स थे ना एलिवेटेड सीन, प्रशांत नील इज़ अ वेरी क्लेवर डायरेक्टर, वो KGF सीरीज से अपने को पता चल गया। और जो इंटरवल जो एक हाई पॉइंट पे लोगों ने ख़त्म किया ना, लाइक ऑसम BGM, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले नॉट एट ऑल डल। लाइक कभी कभी बोलते ना हीरोइन का एंट्री, वो एंट्री नहीं रहता, एंट्री हीरोइन की एंट्री से तो सब चालू हो गया। लाइक मज़ा आ गया कि डिटेलिंग, लाइक वो टायर का ब्लास्ट से लेके हर एक चीज बहुत बेटर था। फर्स्ट हाफ को देखकर क्या बोलेंगे, क्या प्रभास के फैंस, मतलब प्रभास का कमबैक ये वही फिल्म है? ऑब्वियसली यार, ये कमबैक ने तो फिर इससे बेटर कमबैक में नहीं, सो फिर राजामौली का ऑफिस आना पड़ेगा अगर उसको कमबैक। प्रभास अपने रिवेल अवतार के अंदर आ चुके हैं। या रिवेल भाई, आफ्टर मिर्ची आई वॉज एक्सपेक्टिंग की ए सर्टिफिकेट ये मूवी को मिला है, अभी तो और खून खराबा होने वाला है। अभी जो ये देख रहे हैं, लाइक इसमें उसने कितना कंट्रोल किया और फैंस भी कितना कंट्रोल करे कि भाई मार। और जब भी उसने चालू किया भाई, आई विल नॉट गिव द स्पॉयलर्स टू एनीवन, वो एक एक सीन जब एलिवेट होंगे ना आपको थिएटर में, लाइक आई एम सेइंग लाइक सिर्फ इतना इतना भी होगा ना तो भी आप थिएटर में सीटी तालियां बजाने वाले। सेकंड हाफ के लिए एक्साइटेड है आप? अरे बहुत बहुत एक्साइटेड। लाइक हम लोग ने कल फर्स्ट शो देखा था KT में डंकी का, हम लोग मतलब वो डिसअपॉइंटमेंट जो हुआ था ना मेरे को आफ्टर सीइंग दैट, मैं बोला भाई मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, मैं बोला यहाँ से ऑफिस जाऊँगा पर मैं सलार देख के जाऊँगा फर्स्ट शो। फर्स्ट आपको देख रहे क्या डंकी को प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? हो गया प्रॉब्लम, हो गया वो मेरे को अभी ऐसा दिख रहा है कि जीरो और जो KGF हुआ था ना, ये वही रेप्लिका होने वाला है, वो क्रिसमस में भी हुआ था और ये इधर भी वही होने वाला है। बहुत अच्छी लगी अभी तो फिलहाल, मतलब बिल्डअप हो रहा है स्टोरी का, स्टोरी अच्छी है। प्रभास वो एक्शन करते हुए बहुत बढ़िया लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये रोल उनके लिए बना हुआ है।
काफी लंबे समय से उनके फैंस भी इंतजार कर रहे थे कि प्रभास एक फुल ऑन एक्शन अवतार के अंदर आए, रिवील अवतार के अंदर आए, जैसे उनको बोलते हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ उनका कमबैक आता नजर आ रहा है कुछ? हाँ श्योर, उनका कमबैक हुआ है और बहुत ग्रैंड लेवल पे हुआ है, और वो बड़े पर्दे पे एक्शन करते हुए बहुत अच्छे भी लगते हैं। उनको ऐसी मूवी करनी चाहिए क्योंकि वो ये ऐसे सब सीन करते हुए शूट होते हैं उनपे, तो उम्मीद करेंगे आगे भी वो ऐसे रोल करते रहे। अभी तो स्टोरी अच्छी बिल्डअप हुई है, देखते हैं सेकंड हाफ क्या ऑफर करता है। माँ वाला एंगल क्या यहाँ पे शुरू हुआ है, कैसा फ्रेंडशिप? हाँ, माँ और बेटे का एंगल जो दिखाया वो बहुत अच्छा है, इमोशनल है, मतलब अच्छा लगता है बड़े पर्दे पे देखने के लिए। जो एक एक सीन शूट किया गया है, जो विजन है प्रशांत नील का, वो दिखता है बड़े पर्दे पे। एक एक सीन को बहुत अच्छे से शूट किया गया है, स्लोमो सीन से वो भी अच्छे से शूट किए गए, तो पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, ऑडियंस को बांधे रखती है, एक भी मतलब बोर मूवमेंट नहीं होता है। हाँ सेकेंड हाफ मतलब ऑल सेट फॉर अ ब्लास्ट, उम्मीद करेंगे क्लाइमेक्स धमाकेदार हो और पिक्चर हाई नोट पे एंड हो। मतलब कि क्या बोलूँ मैं यार, मतलब कि मैं जब घर से निकला था मूवी देखने के लिए ना, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि प्रशांत नील, मैं जब जो सोच के आया था ना, वो प्रशांत नील ने एकदम अलग दिखा दिया यहाँ पर। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन वर्ड में अगर इस मूवी का रिव्यू करूँ ना, फर्स्ट हाफ का फुल अंगार बाकी सब भंगार है यहाँ पर, लिटरली बोल रहा हूँ। जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना प्रशांत नील, जो माने जाते हैं ना कि रिएक्ट करने में सस्पेंस या ट्विस्ट, वो चीज़ देखने को मिल रहा, मतलब कि यार हर एक सीन पे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, गूज़बम। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, जो दोस्ती का कॉम्बो बताया बचपन का, टोटली बवाल था वो। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं रेबल स्टार अपने प्रभास सर की एंट्री, ओहो उनकी एंट्री भी जबरदस्त था। मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ये शांत बंदा है, लगता कुछ करने वाला नहीं, लेकिन उनका जो जंगली अवतार भाई, वो जो खूंखार चीता बोलते हैं ना, चीता डायनासोर, वो जब सवार होता ना, जब इंजन चालू होता ना भाई का हाथ से, ओहो गाड़ी चालू होता ना भाई, उसके बाद जो पंच मारा ना, एक एक पंच, उनका स्वैग देखो, सिगरेट जलाने का, चश्मा पहनने का, माय गॉड, मतलब कि बोल सकते हैं ना यार, बॉलीवुड वाले ने उनको प्रेजेंट किया तो फ्लॉप करवा दिया। तीन फिल्में, तीनों बॉलीवुड की फिल्म थी। प्रभास सर को बोलूँगा यार ऐसा स्वैग दिखाओ आप, जो साउथ के डायरेक्टर ही प्रभास सर से आप उसका स्वैग करवा सकते हैं। जैसे बाहुबली के बाद बोल सकते हैं कि एक बार प्रभास सर इज बैक। प्रशांत नील का वो जो जादू हम लोग देखते हैं ना KGF 2 में, वो जादू दिख रहा है यहाँ पर। मतलब कि वो जिस तरीके से मूवी को क्रिएट करते हैं ना, वो बोलते हैं ना डार्क, सब लोग ट्रेलर को बहुत नेगेटिविटी कर रहे हैं, डार्कनेस है। देखो ट्रेलर से हम लोग जज नहीं करते कोई मूवी का भी, जितनी भी अच्छी हो बुरी मूवी हो आप जज मत करो, मूवी को देखो। और प्रशांत नील ना भाई कभी भी ना डिसअपॉइंट नहीं करता वो बंदा यार, मतलब कि लेजेंड डायरेक्टर भाई, लेजेंड डायरेक्टर, उनको सल्यूट करता हूँ मैं। मूवी को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया ना, घुमा दिया दिमाग भाई, मतलब कि आप घर से निकलोगे जो सोच के ना, वो चीज़ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, लोगों को कन्फ्यूजन कर देगी ये मूवी। अभी तो फर्स्ट हाफ है भाई, और इंटरवल से पहले जैसे 10 मिनट पहले वो जो सिक्वेंसेस था ना, माई गॉड, मतलब कि मैं KGF से कंपेयर तो नहीं करूंगा, KGF बाप लेवल वाली मूवी थी, लेकिन उससे भी कम नहीं है भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। मतलब कि फुल गूज़बम्प मूवी है, हर एक सीन, BGM, बैकग्राउंड BGM, सब चीज़ अच्छी है मूवी के अंदर। अब देखते हैं बहुत बहुत, अरे यार देखो अभी चालू भी हो गया होगा मूवी, मैं ना फुल एक्साइटेड हूँ अभी क्या होने वाला। सब सारी फिल्मों में इंटरवल लिख के आता है, यहाँ पर लिख के आया पार्ट 1 सीज़ फायर, ओहो सच में ये सीज़ फायर ही है।